दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 26 एकड़ में फैला हुआ गूगल हेडक्वार्टर्स के बारे में कुछ अमेजिंग से फैक्ट जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे, जिसकी शुरुआत 4 सितंबर 1998 में हुई थी। दो दोस्त लैरी एंड सर्जे ब्रायन के द्वारा जब वो पीएचडी कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। गाइस क्या आप लोगों ने कभी सोचा है गूगल कितना अर्न करता होगा? ऐसे ही कुछ अमेजिंग से फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स फैक्ट नंबर वन, जब गाइस गूगल स्टार्ट होता तो इसका नाम बैकरब रखा गया था। इसका ऐसा नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि बैकरब का बेसिकली मीनिंग होता है बैकलिंक, यानी कि एक दूसरे को कनेक्ट रखना। तो काफी यूनिक थिंकिंग थी। फ्रेंड्स फैक्ट नंबर टू, गूगल का इस्तेमाल तो पूरी दुनिया करती ही है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बूढ़े हो, और इसी में काफी डेटा यूज होता है। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं कि आपके फोन में कितना स्टोरेज है, तो आपका आंसर होगा 64 GB, 128 GB या मैक्सिमम 256 GB। गाइस हमारे लिए तो ये सफिशिएंट होता है, पर गाइस गूगल के पर्सपेक्टिव से देखें, उन्हें तो पूरे वर्ल्ड का डाटा स्टोर करना है। तो उन्होंने इसी को स्टोर करने के लिए बनाया है डेटा सेंटर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर गाइस गूगल ने इसी को 6 लेयर्स ऑफ एडवांस सिक्योरिटी दी है, जिससे पूरे वर्ल्ड का डाटा स्टोर हो चुके और प्रोटेक्टेड रहे। फैक्ट नंबर 3 गाइस, जैसा कि हम जानते हैं गूगल अपने कस्टमर्स का काफी ध्यान रखता है, गाइस वैसे ही अपने एम्प्लॉयज का भी वो काफी ध्यान रखता है। केस किसी के घर में फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, तो 50% ऑफ द इनकम प्रोवाइड की जाएगी उसकी फैमिली को 10 इयर्स के लिए। काफी अच्छी उनकी पॉलिसी है गाइस। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर ले चलता हूँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गूगल कितना अर्न करता है डेली। तो गाइस गूगल एक सेकंड में 1,30,938 रुपीज जनरेट करता है। गाइस पूरे डे का आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।